गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ वैक्यूम बूस्टर पंप्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि वैक्यूम बूस्टर पंप्स क्या होते हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ती है और इनका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है ये किस तरीके का होता है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और वीडियोज को लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद वैक्यूम बूस्टर पंप्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वैक्यूम बूस्टर पंप्स की जरूरत क्यों है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जहां पे भी हमें काफी ज्यादा लो वैक्यूम की जरूरत पड़ती है, मींस ग्रेटर देन 750, आप समझ सकते हैं माइनस 750 से ऊपर जब भी आप जाते हैं 750 से 760 की रेंज में। सो फ्रेंड्स, ऐसे जो लो प्रेशर होते हैं काफी ज्यादा, मींस लास्ट का जो 10 mmHg बचता है वैक्यूम का, दीज लो वैल्यूज आर नॉट अचीवेबल विद द हेल्प ऑफ स्टीम जेट इजेक्टर्स, वाटरिंग पंप्स या फिर ऑयल सील वैक्यूम पंप्स या फिर वाटर इजेक्टर्स। फ्रेंड्स, अगर हम इन सबको यूज करते हैं तो भी हम मैक्सिमम माइनस 750 mmHg तक वैक्यूम पा सकते हैं। हम इसके नीचे की जो वैल्यूज है वो बेसिकली हम अचीव नहीं कर पाते हैं, ये हमें बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम स्टीम जेट इजेक्टर या लिक्विड वैक्यूम पंप या फिर ऑयल सील वैक्यूम पंप्स ये सारे यूज करते हैं तो। और अगर हम अचीव करने के लिए जाते हैं इसके नीचे तो हमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, स्टीम जेट इजेक्टर के केस में अगर आप और नीचे की तरफ जाना चाहेंगे तो आपको नंबर ऑफ स्टेजेस काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ेंगी। एंड अगर आप वाटरिंग पंप्स या फिर ऑयल सील वैक्यूम पंप्स के केस में और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, बिकॉज लास्ट में जो बिल्कुल लो वैक्यूम का जोन होता है वहां पे इन पंप्स की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये जो वैक्यूम पंप्स होते हैं ये बेसिकली उस लोअर रेंज में काफी इफेक्टिव काम करते हैं, इसलिए हम वैक्यूम बूस्टर पंप्स का यूज करते हैं। ये उस लोअर रेंज में भी काफी जल्दी हमें वैक्यूम ला के दे देते हैं, जबकि अगर हम बात करें स्टीम जेट इजेक्टर, लिक्विड रिंग, ऑयल सील वैक्यूम पंप्स की, तो ये उस पर्टिकुलर रेंज में वैक्यूम लाने के लिए, एक तो ये जल्दी लाते नहीं है वैक्यूम उस पर्टिकुलर रेंज में, और अगर लाते भी हैं तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं या फिर काफी ज्यादा हमारा इकोनॉमी कंज्यूम होता है। लाइक स्टीम जेट इजेक्टर के केस में आपको नंबर ऑफ स्टेजेस काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इन उसके कंपेरिजन में अगर हम बात करते हैं तो जो वैक्यूम बूस्टर पंप्स होते हैं ये काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। फ्रेंड्स, होता क्या है, एट लोअर वैक्यूम्स अगर हम लिक्विड रिंग या ऑयल रिंग वैक्यूम पंप्स की बात करते हैं तो हाई पंपिंग स्पीड की जरूरत होती है, बिकॉज जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मींस फ्रेंड्स इनवर्स ऑफ द डेंसिटी, मींस मीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर केजी ऑफ द दैट पर्टिकुलर मटेरियल, वो जो होता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है विद इंक्रीज इन वैक्यूम। सो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें जितना हम लोअर वैक्यूम की तरफ जाएंगे उतना ज्यादा हायर पंपिंग स्पीड्स की जरूरत होती है, जो हमारा आपका जो ये वाटरिंग वैक्यूम पंप या ऑयल रिंग वैक्यूम पंप है वो लोअर उस पर दे नहीं पाते हैं। सो फ्रेंड्स, वैक्यूम बूस्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये पंपिंग स्पीड को 3 से 10 गुना एनहेंस कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस रेट, आपका जो भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये आपकी पंपिंग स्पीड को 3 से 10 गुना इंक्रीज करके आपको वैक्यूम काफी जल्दी टाइम में लाके दे देते हैं। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि अगर मेरे को काफी लोअर वैक्यूम्स की तरफ जाना है तो इन स्पाइट ऑफ कि मैं स्टीम जेट इजेक्टर में नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाने जाऊं या फिर वाटरिंग वैक्यूम के में मैं वेट करूं कि वो मेरे को लोअर रेंज में वैक्यूम लाके देगा काफी ज्यादा टाइम में, सो उससे बेहतर ऑप्शन होता है कि मैं एक आपका वैक्यूम बूस्टर पंप यूज कर लूं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वैक्यूम बूस्टर पंप्स की जरूरत क्या होती है। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेसिकली वैक्यूम बूस्टर पंप्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली याद रखिएगा कि जो आपके ये वैक्यूम पंप्स होते हैं, वैक्यूम बूस्टर पंप्स होते हैं, ये बेसिकली आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स होते हैं। इस पंप के केस में फ्रेंड्स बेसिकली हम यूज करते हैं ओनली आपका लोब टाइप वैक्यूम पंप्स को बेसिकली प्रेफर किया जाता है। हम हमेशा वैक्यूम बूस्टर्स के केस में आप मैक्सिमम लोब टाइप वैक्यूम पंप्स ही यूज करते हुए देखेंगे। फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि ये ड्राई वैक्यूम पंप्स होते हैं। फ्रेंड्स, दोबारा समझिए, इसको कूलिंग वूलिंग के लिए किसी भी यूटिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है,
ये आपके पूरी तरीके से ड्राई वैक्यूम पंप्स होते हैं, या ये जस्ट एयर को खींचते हैं और बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये काम करते हैं, ये आपका बेसिकली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स होते हैं, और इनको लगाया जाता है इन सीरीज विद वाटर रिंग या ऑयल रिंग पंप्स के साथ में सीरीज में लगाया जाता है, ताकि ये जो वो वैक्यूम बना के दे रहा है उसको जस्ट बूस्टअप कर सके। वैक्यूम बूस्टर पंप्स जो हैं, ये कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो पावर कंजम्पशन होता है वो फ्रेंड्स काफी ज्यादा कम होता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझाता हूं। फ्रेंड्स, ये आप देखिए, दो लूप्स हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के रोटेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब ये दोनों रोटेट करते हैं तो ये जो पॉइंट है जहां पे मेरा पॉइंटर रखा हुआ है, इस पॉइंट पे इन दोनों की रोटेशन की वजह से फ्रेंड्स एक लो वैक्यूम का जोन क्रिएट होता है, या फिर एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये क्या करता है, बाहर से गैस को अंदर की तरफ इनलेट करवाता है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, ये क्या करता है, बाहर से आपका जो भी गैस है या फिर जो भी आपका लिक्विड है, ये इसको बाहर से अंदर की तरफ इनलेट करवाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद में क्या होता है, ये इसी लोब्स के सहारे, आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये इसी लोब्स के साथ मूव करते 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 ये गैस या फिर जो भी लिक्विड है वो बाहर की तरफ हाई प्रेशर में बेसिकली रिलीज कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि वैक्यूम बूस्टर पंप्स में बेसिकली हम यूज करते हैं आपका लोब टाइप वैक्यूम पंप्स, और ये लोब टाइप के केस में बेसिकली दो लोब्स होते हैं जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इनके मूवमेंट की वजह से जो आपका सक्शन पॉइंट होता है वहां पे एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस पॉइंट पे बेसिकली वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर ड्रॉप होगा एज पर बर्नौलीज थ्योरम, और प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बाहर से अंदर की तरफ गैस या फिर लिक्विड को सक करेगा। आफ्टर दैट इस लोब की डायरेक्शन के हिसाब से ही आपका जो भी गैस या लिक्विड है वो मूव करता हुआ बाहर, आपका इधर अगेन कंप्रेशन हो रहा है, आप गौर से देखिए, और इसको हाई प्रेशर जोन में इस मटेरियल को बेसिकली आउट कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, वैक्यूम बूस्टर पंप्स आर बेसिकली ड्राई वैक्यूम पंप्स यूजिंग लोब टाइप। सो फ्रेंड्स, होप आपको वैक्यूम बूस्टर पंप क्या होता है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स, इस स्लाइड को आप देखेंगे तो आपको दिमाग में होने वाले सारे डाउट बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि जो रेंज होता है वैक्यूम अचीव करने का, वो किस तरीके से एक वैक्यूम बूस्टर पंप लगा देने से इंपैक्ट होता है, वो समझिए। फ्रेंड्स, अगर कोई सिंगल स्टेज इजेक्टर है, उसकी एक्सपेक्टेड वैक्यूम की रेंज होती है 150 टॉर। अगर मैं उसमें कोई बूस्टर पंप लगा देता हूं तो वो वैक्यूम जो मेरे को मिलता है वो बेसिकली बढ़ के मेरे को 15 से 30 टॉर मिलने लग जाता है। फ्रेंड्स, देखिए कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। वाटर इजेक्टर, अगर ये मेरा 100 टॉर बना रहा है वैक्यूम, तो एक बूस्टर पंप लगाने से मेरे को 10 to 20 टॉर का वैक्यूम मिलता है। अगर फ्रेंड्स मैं लिक्विड रिंग की बात करता हूं, तो मान लीजिए ये 40 से 60 टॉर नॉर्मल कंडीशन में बनाता है, तो फ्रेंड्स बूस्टर लगाने पे ये 5 to 10 टॉर के आसपास मेरे को वैक्यूम देगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, लिक्विड रिंग पंप या फिर पिस्टन पंप अगर ये 20 से 30 टॉर वैक्यूम दे रहे हैं, तो ये बूस्टर लगाने पे 2 से 1 टॉर देंगे। फ्रेंड्स, अगर रोटेटरी पिस्टन पंप्स की बात करते हैं, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में 0.1 टॉर वैक्यूम दे रहे हैं, तो ये बूस्टर लगाने पे 0.01 टॉर के आसपास में वैक्यूम लाके मेरे को देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो पूरा टेबल है, ये टेबल आपके दिमाग में ये चीज अच्छे तरीके से सिग्निफाई कर देगा कि बेसिकली जस्ट एक बूस्टर पंप लगाने से मेरे को कितना ज्यादा बेनिफिट है। लाइक एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, अगर यही वैक्यूम आपको इजेक्टर से लेके जाना है तो आपको 4 स्टेजेस की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, मिनिमम 4 स्टेजेस आर रिक्वायर्ड, जबकि आप एक सिंगल स्टेज इजेक्टर के साथ में एक बूस्टर पंप लगा के ये अचीव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यूजिंग अ बूस्टर पंप इज अ गुड ऑप्शन ऑलवेज। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जो पंप है उसकी कैपेसिटी पता करना है, मींस जो भी आपने वैक्यूम के लिए पंप लगाया है उसकी कैपेसिटी पता करने का फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी इंटू क्यू वन अपॉन एम वन प्लस क्यू टू अपॉन एम टू अप टू क्यू एन अपॉन एम एन, जहां पे फ्रेंड्स V होता है मेरा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो मेरे को वहां से एयर निकालनी है, R होता है मेरा यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, T होता है फ्रेंड्स मेरा टेम्परेचर गैस का कैलविन में, एंड फ्रेंड्स P होता है मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर, एंड क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ये होते हैं फ्रेंड्स मेरे गैस के वेपर फ्लो रेट्स केजी पर आवर में, और M1, M2, M3 अप टू MN ये होते हैं फ्रेंड्स मेरे मॉलिक्यूलर मोलर मास किलो जूल पर मोल आपका गैस के वेपर्स का।
सो फ्रेंड्स, इस इक्वेशन में आप बेसिकली सारी वैल्यूज को पुट अप करके आप इजिली अपने पंप की कैपेसिटी को पता कर सकते हो। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम ये समझते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं वैक्यूम बूस्टर पंप्स के। सो फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि इसको हम इजिली लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप, स्टीम जेट इजेक्टर या ऑयल रिंग वैक्यूम पंप के साथ में इजिली इंस्टॉल करके अपना वैक्यूम ज्यादा अचीव कर सकते हैं। सेकेंड फ्रेंड्स, इसमें किसी भी पंपिंग फ्लूइड का यूज नहीं किया जाता है, ये आपका ड्राई बिल्कुल चलता है। थर्ड वन, ये काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं, इनके केस में पावर कंजम्पशन काफी कम मिलता है। फोर्थ वन फ्रेंड्स, हाई पंपिंग स्पीड आपको मिलती है इसके केस में लो प्रेशर्स पे भी। जो ये बूस्टर पंप्स होते हैं ये इंक्रीज करते हैं द वर्किंग वैक्यूम ऑफ द प्रोसेस इजिली। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, इसमें जो फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं, इसमें VFD इंस्टॉल करना काफी ज्यादा इजी रहता है और फ्रेंड्स इसमें ज्यादा रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं, पावर कंजम्पशन काफी कम होता है वैक्यूम बूस्टर पंप्स के केस में, इसको हम इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं स्टीम जेट इजेक्टर या फिर वाटर इन पंप के साथ में सीरीज में। ये काफी ज्यादा पावर एफिशियंट होते हैं, मेंटेनेंस काफी कम होता है, VFD इजिली इंस्टॉल की जा सकती है एंड फ्रेंड्स लो प्रेशर पे भी ये हाई स्पीड पे इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे AOD पंप क्या होता है, एयर ऑपरेटिंग डायफ्राम पंप क्या होता है, उसे कहां पे यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।